the act of desecration of the Holy Quran in this Sweden. This house believes in respecting all religions, beliefs and their holy books. This house urges that appropriate steps be taken by the Swedish authorities against the perpetrators, including but not limited to legal action. Those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted unanimously. मुल्क में आज यौम तकद्दस कुरान मनाया जाएगा। स्वीडन वाकिफ पर नमाज से जुमा के बाद एहतजाज होगा, शहर शहर रैलियां निकाली जाएंगी। पार्लियामेंट में स्वीडन वाकिफ के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंसूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कवाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहा स्वीडन हुकूमत ने ऐसा कभी वाकया क्यों होने दिया, अब मुसलमान ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के जो मुतलका इदारे हैं, बल्कि दुनिया के जो फोरम्स हैं, उनको ये सफारशात पहुँचाएं ताकि कभी दोबारा क्यामत तक इस तरह का वाकया दोबारा रूनमा ना हो। इस्लामोफोबिया और इस्लाम के खिलाफ जो जानबूझकर आग भड़काई जा रही है, ये असल में यहाँ स्पीकर दुनिया में मुसलमानों और ईसाइयों को लड़ाने की साजिश है। जिना हाउस हमला केस में पीटीआई के 22 रहनुमाओं के नाकाबले जमानत वारंट जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हमाद अजहर, हसान यासी, असलम इकबाल, फारूक हबीब, अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। आजम सवाती, अलीमा खान, उस्मा खान, अंदलीब अब्बास और करामत खोकर भी शामिल। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान्स के मालिक आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा अदा। अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आलमगीर तरीन अपने घर में मुर्दा पाए गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आलमगीर तरीन की मौत सर में गोली लगने से हुई। गोली आलमगीर तरीन के सर के दाएं तरफ लगी। पुलिस ने कत्ल समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर में मूसलाधार बारिशों की तबाहकारियां। दो रोज की बारिश में छतें गिरने और करंट लगने से 12 अफराद मौत की वादी में चले गए। मजंग अस्पताल से मलिका इमारत की दीवार गिरने से 4 अफराद जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से नशेबी इलाके जेरे आवा गए। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गुजरांवाला, सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, ओकाड़ा, पिशावर, बनू करक और डीआई खान में भी तेज बारिश की पेशगोई। और हमारी पूरी कोशिश है कि अल्लाह ताला उनको बेस्ट फैसिलिटी जो है वो दें। और ऑलरेडी कमिश्नर लाहौर ने जो वहाँ का जो शादी हॉल है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक्शन ले रहे हैं, और जो एज पर लॉ हम इस तरह के जख्मी होते हैं, आई थिंक 1 या 2 लाख रुपए हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि फौरी तौर पे इनको आज या कल में पहुंचा दें। इलाज इंशाल्लाह ताला इनका फ्री में होगा, और जो भी बेस्ट डॉक्टर लाहौर में जहां भी अवेलेबल है वो इनके लिए हम बुला रहे हैं, और इनको अल्लाह ताला ने चाहा तो इनकी सबको बेस्ट फैसिलिटी देंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का गंगाराम अस्पताल का दौरा। दीवार गिरने से जख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर-ए-आला ने कहा हादसात में जख्मियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। नकासी आपकी सूरत हाल कंट्रोल में है, फराइज में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पीडीएमए ने खतरे की घंटी बजा दी। सतलुज, रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। भारत की जानिब से रावी और सतलुज में पानी छोड़े जाने पर सैलाब के खतरात बढ़ने का खदशा है। पंजाब के तमाम डिप्टी कमिश्नर समेत सूबाई महकमों को हाई अलर्ट जारी। तीन बार के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। साबिक हुकूमत ने नैब को सियासी करियर तबाह करने पर मजबूर किया। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की बेगुनाही पर मोहर जब्त कर दी। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस से बरियत का फैसला जारी। अदालत ने करार दिया रेफरेंस के इल्जामात में नवाज शरीफ का किरदार शरीक मुल्जमों से भी कम है। अदालत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस लिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म की जब्त जायदादें भी खोलने का हुक्म।
नांगा पर्वत पर फंसे पाकिस्तानी कोहपेमा आसिफ भट्टी बेस कैंप पहुंच गए। आज पाक आर्मी की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू लाया जाएगा। सेक्टरी अल्पाइन क्लब का कहना है इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद आसिफ भट्टी को सीएमएस स्कर्दू लेकर जाया जाएगा। टाइटन हादसे के बाद ओशन गेट ने तमाम कमर्शियल ऑपरेशन मुअत्तल कर दिए। कंपनी को टाइटन के तबाह होने के बाद से तनकीद का सामना है। गुज़श्ता माह दो पाकिस्तानियों समेत पांच अफराद टाइटन अब्दोस के फटने से जान की बाजी हार गए थे। नो हेलमेट नो पेट्रोल, लाहौर में इंतजामिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। पंप मालिकान को बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की रिफिलिंग से रोक दिया। सरकारी पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। जिले इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस ने एका कर लिया। सर की चोट जानलेवा साबित हो सकती है। इकदाम का मकसद शहरियों की जिंदगी का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना है। सरफराज अहमद बाबर आजम की पहली चॉइस बन के दौरे श्रीलंका से पहले कौमी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाबर आजम ने कहा श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में सरफराज पहली चॉइस है, लेकिन पहले से हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। नायब कप्तान का प्लेइंग 11 में होना जरूरी नहीं, प्लेइंग 11 में कंडीशन को देखते हैं। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ दुल्हन ब्याह लाए। कराची में शादी की तकरीब। हारिस रऊफ ने अपनी बारात पर मरून रंग का कुल्ला और काले रंग की शेरवानी का इंतखाब किया। तकरीब में करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब की शिरकत। कौमी क्रिकेटर के वलीमे की तकरीब आज होगी। सोशल मीडिया का किंग कॉन ज़करबर्ग और एलन मस्क में मैच पड़ गया। ट्विटर के मुकाबले में मेटा की नई ऐप थ्रेड्स आ गई। हर तरफ चर्चे। महज 7 घंटों में सार्फीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। मुतअद्दिद अहम शख्सियात भी मेटा के इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन गई।